पेज नंबर 31 की आज मैं प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ। इसमें क्या है, बिफोर, बिफोर वो जो होता है जो पहले आता है। तो 119 से पहले क्या आता, 180, तो ये इस तरह से बिफोर होता है। बिटवीन वो होता है जो दोनों के बीच में होता है, जैसे 104 के बाद क्या आता है और 106 के पहले क्या आता है, 105, ठीक है। आफ्टर, आफ्टर क्या होता है, जो बाद में आता है। तो इस तरह से ये बिफोर, बिटवीन और आफ्टर की प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद अगला है 33 पेज, ये है पैटर्न। पैटर्न में आपको क्या करना है, जैसे 111 ये कर दिया है, इसका मतलब इसमें 10 ऐड किया है, तो हम 10 ऐड करते 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 यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से 134 प्लस 136 इसमें क्या ऐड किया है, 2, तो हर इससे आगे हम 2 ऐड करते हुए लिख देंगे, जैसे 138, 140, उसी तरह से अगला क्या है, 293, 296, इसमें क्या ऐड किया है, 3, तो हर एक डिजिट में आगे 3 ऐड करते हुए हम चले जाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा पैटर्न। अब क्या है, इनको हमें नंबर्स में लिखना, 594, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। और इनको हमें क्या लिखना है, वर्ड्स में, जैसे ये है 598, ठीक है बच्चों, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी में। इसी तरह से नेक्स्ट पेज है 675, तो 675 कैसे लिखते हैं, 675 इस तरह से वर्ड उसमें लिखते हैं नंबर्स में, और वर्ड्स में लिखना होता है तो तब कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। मैंने आपको काउंटिंग लिखने के लिए बोला था, आपको 1000 तक काउंटिंग लिखनी है, पर डे 100 लिखने थे, ठीक है। और अब आप टेबल 2 से 10 तक टेबल लर्न करोगे, 5 टाइम उसको अपनी नोटबुक में लिखोगे और उनको लर्न करोगे, और ये वर्ड्स वाले, ये वर्ड्स और न्यूमरल्स वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे।